हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉग्स। आज ये प्रेजेंटेशन हम लोगों ने नियोनेटल रीसेसिटेशन पे दोबारा बनाया है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी और कलीग्स की रिक्वेस्ट थी। हमारे नर्सिंग कलीग्स वो चाहते थे कि हम इस प्रेजेंटेशन को हिंदी में भी बनाएं ताकि उनको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैं डॉक्टर राणा चंचल, डॉक्टर हिमांशु कुमार के साथ फिर से हम लोग ये प्रेजेंटेशन हिंदी में बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये प्रेजेंटेशन बहुत लंबी ना हो, बट हमें ये समझना होगा क्योंकि ये एक डिटेल प्रेजेंटेशन है एनआरपी की। लंबा होना स्वाभाविक है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम इसको आपको बेहतर तरीके से समझा पाएँ। हमें जानना ज़रूरी है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें रीसेसिटेशन की। तो जब भी बच्चा मदर के पास से बाहर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि बर्थ के समय होते हैं, और जब भी उन चेंजेस को बच्चा सक्सेसफुली नहीं कर पाता है तो हमें नियोनेटल रीसेसिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। 90% यानी 100 में से 90 बच्चे बिना किसी रीसेसिटेशन के सक्सेसफुली डिलीवर हो जाते हैं, उन्हें किसी तरीके की स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं 10% बच्चों को इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें से सिर्फ 1% ऐसे होते हैं जिनको एक्सटेंसिव रीसेसिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है जन्म के समय। ये जो गाइडलाइंस हैं वो हम लोगों ने AHA द्वारा, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उससे ली हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने कंपेयर किया है इसको यूरोपियन रीसेसिटेशन काउंसिल से। ये गाइडलाइंस अक्टूबर 2015 में रिलीज़ हुई थी और ये जनरली अपडेट होती रहती हैं। जैसे गाइडलाइंस अपडेट होंगी, हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अपडेटेड रीसेंट चेंजेस जो होंगे उनको हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। तो हमेशा जब भी आप इस गाइडलाइन को देखें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर पढ़ लिया करें कि कोई रीसेंट चेंजेस तो नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझ लें कि फीटल सर्कुलेशन में कुछ ऐसी चेंज, जो हमने बताया कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ से जब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चा आता है तो कुछ चेंजेस जो होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 हाईलाइट किए हैं, हालांकि ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हीं को समराइज़ करने की कोशिश की है इन 3 पॉइंट्स में। तो पहला तो यही है कि जब तक बच्चा माँ के पास रहता है उसकी जो ब्रीदिंग होती है या जो सांस लेने का प्रक्रिया होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड करता है और प्लाजेंटा के थ्रू वो सारी चीज़ें होती हैं। बट जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करते हैं और प्लाजेंटा से सेपरेट करते हैं बेबी को, तो न्यूबॉर्न का जो लंग है वो काम करना शुरू कर देता है गैस एक्सचेंज के लिए इंस्टेड ऑफ द प्लाजेंटा। दूसरा चेंज जो होता है कि जब बच्चा पेट में रहता है, यूट्रस में रहता है, तो उसके एल्वेलाई में फ्लूइड रहता है, बहुत सारा पानी रहता है। जन्म के बाद वो जो फ्लूइड होता है वो एयर से रिप्लेस हो जाता है, और साथ ही साथ जब बच्चा पहली बार रोता है या सांस लेता है तो वहाँ पर जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। थर्ड जो चेंज आता है वो ये होता है कि एल्वेलाई के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जब तक फ्लूइड रहता है तो वो कंस्ट्रिक्टेड या पतले रहते हैं, जैसे एयर जाता है उसके अंदर हवा भरती है और वो डायलेट होना शुरू होते हैं। इसके डायलेट होने की वजह से जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, और जो डक्टस आर्टेरियोसिस होती है वो धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट करके बंद होना शुरू हो जाती है, और यही डक्टस आर्टेरियोसिस अगर खुली रह जाए तो हम उसको PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के नाम से जानते हैं। इस स्लाइड में जो ये एल्गोरिदम है, इसी एल्गोरिदम को हम लोग पूरी प्रेजेंटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी इस स्लाइड में आपको हमें ये समझना है कि 5 मेन ब्लॉक्स होते हैं एक नियोनेटल रीसेसिटेशन के, जो कि सबसे पहला होता है इनिशियल असेसमेंट। उसके बाद हम लोग आते हैं ABCD यानी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड ड्रग्स। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन जो होगी इन्हीं 5 ब्लॉक्स को समझाने में और आपको समझने में निकालनी होगी। किसी भी सक्सेसफुल रीसेसिटेशन के लिए या किसी भी काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रिपरेशन उस चीज़ की। तो लेट्स प्रिपेयर फॉर अ रीसेसिटेशन। तो हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपरेशन में पता होनी चाहिए? तो सबसे पहला जो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि क्या उस डिलीवरी में कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि बच्चे को प्रोन बनाता है रीसेसिटेशन के लिए। दूसरी चीज़ है कि हमें रीसेसिटेशन पूरी टीम असेंबल करनी होगी। थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि हमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिक टीम से बर्थ से पहले पता करने होंगे ताकि हम प्रॉपरली रीसेसिटेशन कर पाए। इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि प्री रीसेसिटेशन टीम ब्रीफिंग। इसका मतलब है कि जब भी आप रूम में जाते हैं, एक रीसेसिटेशन रूम में, उससे पहले ही आपको पूरी टीम तैयार करके उसको एक डीब्रीफ देना है कि हम कैसे बच्चे के बारे में हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिलीवरी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हम उसको कैसे डील करें। इसको एक टीम ब्रीफिंग कहा जाता है। वो ज़रूर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रीसेसिटेशन में जाने से पहले। और फाइनल जो 5th स्टेप है वो है कि आपको जितनी भी रीसेसिटेशन के लिए सप्लाईज और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उनको आप असेंबल करें, और असेंबल करने के बाद चेक ज़रूर कर लें कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं।
तो जो मैंने कहा था कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि रीसेसिटेशन या नियोनेटल रीसेसिटेशन के चांसेस बढ़ा देते हैं, इस स्लाइड में वो सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया है। ये रिस्क फैक्टर्स एंटीपार्टम यानी डिलीवरी से पहले के या इंट्रापार्टम यानी डिलीवरी के दौरान हो सकते हैं। स्लाइड को यहीं पे पॉज करके आप एक बार इन सारे रिस्क फैक्टर्स को पढ़ सकते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। हमारा जो सेकेंड पॉइंट था कि एक जो रीसेसिटेशन की टीम है उसको हम लोग इन्वॉल्व करें और एक असेंबल करें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ये जानना ज़रूरी है NRP के अकॉर्डिंग कि एटलीस्ट वन क्वालिफाइड इंडिविजुअल यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्वालिफाइड हो और स्किल्ड हो इनिशियल स्टेप्स ऑफ न्यूबॉर्न केयर और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए। हम लोगों ने जो पिछले स्लाइड में रिस्क फैक्टर्स की बात की, अगर वो रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है तो वो एक की बजाय हमें दो ऐसे क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक इंसान या एक क्वालिफाइड पर्सन अकेले नहीं मैनेज कर पाएगा। यहीं पे जब हम टीम असेंबल करते हैं तो हमें डिसाइड कर लेना है कि उस पूरे रीसेसिटेशन का टीम लीडर कौन होगा, कितने मेंबर्स हमें चाहिए होंगे और उन मेंबर्स का रोल क्या होगा, ये हमें अभी यहीं इसी पॉइंट पे डिसाइड कर लेना है। हमें अपने ऑब्स्ट्रक्टिक टीम से जो क्वेश्चंस पूछ लेने हैं, चार क्वेश्चंस। पहला तो है कि एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज क्या है, कि प्री टर्म है, टर्म है या एग्जैक्ट जेस्टेशनल एज क्या है बेबी की। जो एमनियोटिक फ्लूइड है क्या वो क्लियर है, मीकोनियम है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो हमें पूछना है वो ये है कि कितने बच्चे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि ये बच्चा सिंगलटन है, ट्विन है, ट्रिपलेट्स तो नहीं हो रहे। और फाइनली जो हमने फोर्थ क्वेश्चन पूछना है वो एडिशनल रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछना है जिसकी लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में दे दी है। तो अगला जो चीज़ आता है वो होता है कि हमें सप्लाईज को या इंस्ट्रूमेंट्स को असेंबल करना है और उनको चेक कर लेना है कि सप्लाईज पूरी हैं कि नहीं। हम लोग ये यहाँ से जो नर्सिंग स्टाफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो बहुत ध्यान से सुने कि हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, किन किन सप्लाईज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग अगले दो स्लाइड्स में जानेंगे। हमें रीसेसिटेशन जो है उसमें बेबी को वार्म रखना है। वार्म रखने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है कि एक प्री हीटेड वार्मर हो, यानी वार्मर जैसे आप रूम में जाएँ उसको ऑन कर दें, हीट कर दें। हीटेड टॉवल्स हों आपके पास, गर्म टॉवल होने चाहिए, ब्लैंकेट्स होने चाहिए जिससे कि हम बेबी को रैप करेंगे या ड्राई करेंगे। टेम्परेचर सेंसर हो, हैट्स हों या कैप हो जिससे कि बच्चे के सर पे लगाया जा सके, जिससे कि बच्चे का हीट लॉस ना हो और बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेशन प्रॉपर हो। अगर बच्चा 32 हफ्ते से कम का है तो हमारे पास एक प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक रैप होना चाहिए या थर्मल मैट्रेसेस होने चाहिए अगर अवेलेबल हैं तो, जिससे कि बच्चे की हीट और ह्यूमिडिटी को हम लोग मैक्सिमम प्रिजर्व कर सकें और बच्चे को रीसेसिटेशन के दौरान वार्म रख सकें। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट आती है वो डिपेंड करती है हमारे एयरवे क्लियरिंग के लिए, कि हमें एयरवे को साफ रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है बल्ब सिरिंज, वो होनी चाहिए। सक्शन कैथेटर्स होने चाहिए। सक्शन कैथेटर के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो सक्शन प्रेशर है वो हम लोग 80 से 100 mmHg का ही रखें, वो सेट हम पहले ही कर लें बच्चे के डिलीवर होने से। अगर प्रॉपर सक्शनिंग के बारे में आपको डिटेल जानना है तो हमारी एक वीडियो वेंटिलेटेड बेबीज के सक्शन के ऊपर है, आप वो प्लीज़ देख लें। अच्छा, यहीं पे जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट होगी वो होगा हमारा मीकोनियम एस्पिरेटर, अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मीकोनियम है लाइकर में। हमें ऑस्कल्टेशन का करना होता है और ऑस्कल्टेशन के लिए हमें प्रॉपर फंक्शनल स्टेथोस्कोप चाहिए होगा। वेंटिलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो चेक कर लें कि फ्लो मीटर जो है वो 10 लीटर पर मिनट पे सेट है। ऑक्सीजन ब्लेंडर अगर अवेलेबल है तो उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन इनिशियली 21% पे रखा हुआ है। अगर वो प्री टर्म डिलीवरी लेस देन 35 वीक जेस्टेशन की है तो उसको 21-30% ऑक्सीजन पे रखा हुआ है, FiO2 पे रखा हुआ है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के डिवाइसेज हमने तैयार कर रखे हैं। जो मास्क हमें चाहिए होते हैं वो अलग अलग साइज टर्म प्री टर्म साइज के मास्क रखे हुए हैं और फीडिंग ट्यूब 8 फ्रेंच की हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। ऑक्सीजन देने के लिए हमें फ्री फ्लो ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स तैयार चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर और सेंसर चाहिए होता है और टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन टेबल, जिसके बारे में हम लोग अगेन डिटेल में बात करेंगे, वो टेबल हम लोगों के सामने होना चाहिए जिससे कि हम प्रिडिक्ट कर पाएं कि कितने मिनट पे बच्चे का ऑक्सीजन कितने होना चाहिए मिनिमम। थर्ड जो चीज़ इस लिस्ट में लिखी हुई है वो है इंट्यूबेशन का सामान हमारे पास तैयार हो, तो हमारे पास लारिंगोस्कोप हो विद डिफरेंट साइज ऑफ ब्लेड्स, एंडोट्रिकल ट्यूब्स डिफरेंट साइज की होनी चाहिए, CO2 डिटेक्टर जो होता है कैपनोमीटर वो अगर है तो वो रखें अपने पास में, मेजरिंग टेप रहे और ताकि हम लोग मेजर कर सकें कि कितने डेप्थ तक हमें जाना है, वाटरप्रूफ टेप रहे, सिजर्स रहें, लैरिंजियल मास्क रहे और ECG मॉनिटरिंग के लिए ECG लीड्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास इंट्यूबेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी होनी चाहिए रीसेसिटेशन रूम में।
फाइनली जो हम चीज की जिस चीज की बात करते हैं वो होता है मेडिकेशन। तो सबसे पहले मेडिकेशन देने के लिए हमारे पास एक्सेस के लिए हमारे पास आईवी कैनुलास और यूवीसी अम्बिलिकल वीनस कैथेटर का सामान रेडी होना चाहिए। हमारे पास एड्रेनालिन 1:10,000 डाइल्यूशन में होनी चाहिए और नॉर्मल सेलाइन होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहाँ ब्लड कहाँ रखा हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, ये जो स्लाइड है ये स्लाइड आपको बार बार इस प्रेजेंटेशन में दिखेगी क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं गोल्डन मिनट की। ये जो पहला मिनट होता है बच्चे का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये रीसेसिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट समय है जो कि हमें मिस नहीं करना है। इस एक मिनट में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 30 सेकंड में हम लोग असेस करेंगे बच्चे को और अगले 30 सेकंड में एयरवे मैनेज करेंगे, यानी ये एक मिनट की बात है। तो सबसे पहले हमने बर्थ पे जान लिया कि बच्चा टर्म है, बच्चे का टोन कैसा है, बच्चा रो रहा है या नहीं। तो ये तीन सवाल हमें सबसे पहले बच्चे के जन्म के बाद पूछने हैं। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है यानी यस है, तो हमें बच्चे को रूटीन केयर के लिए रखना है, जिसमें हम मदर के पास बच्चे को स्किन टू स्किन शुरू कर देते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, पोजिशनिंग करते हैं, अगर एयरवे में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं और ड्राई करके इस मदर के पास दे देते हैं स्किन टू स्किन के लिए। तो ये तो हो गया कि अगर इसका आंसर यस है इन तीनों क्वेश्चन का। अगर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर नो में आता है, अगर हमारे में से इन तीनों में से कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, टोन सही नहीं है, बच्चा रो नहीं रहा या सांस नहीं ले रहा या टर्म की जगह प्री टर्म बच्चा है, तो हमें वार्म करना है, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है, पोजिशन करना है, सक्शन करना है, ड्राई करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हम मदर के पास ना दे के उसको रीसेसिटेटर पे ले आ रहे हैं या वार्मर पे ले आके ये सारे स्टेप्स को किया जा रहा है ताकि हम आगे के लिए असेस करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये 30 सेकंड्स के अंदर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा ये सब करने के बाद हमारे जो अगला सवाल आता है वो ये है कि क्या बच्चा सही से सांस ले रहा है, कहीं बच्चा एपनिक या गैस्पिंग तो नहीं है, या हार्ट रेट बच्चे का 100 से कम तो नहीं है। तो ये दोनों सवाल हमारे इस स्टेप के बाद यानी 30 सेकंड्स के बाद आएंगे। उसके बाद अगर इसका आंसर नो है यानी बच्चा गैस भी नहीं कर रहा, हार्ट रेट भी कम नहीं है यानी बच्चा ठीक ठाक है, हार्ट रेट अच्छी है, बच्चा ब्रीद कर रहा है बट ब्रीदिंग जो है वो बहुत लेबर्ड है या बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग में है, या बच्चा परसिस्टेंटली साइनोस है, उस कंडीशन में हमें बच्चे को पोजिशन करना है, एयरवे क्लियर करना है, SpO2 मॉनिटरिंग शुरू कर देनी है और ऑक्सीजन देना शुरू कर देना है। और अब नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग को ये है कि अगर हमारे रीसेसिटेशन रूम में CPAP है तो हम लोग CPAP इसी पॉइंट पे शुरू कर देते हैं। अगर इन दोनों सवाल का आंसर यस में है तो हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है, SpO2 मॉनिटरिंग करनी है और ECG मॉनिटरिंग करनी है। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हम बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि गोल्डन मिनट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के सक्सेसफुल रीसेसिटेशन के लिए। तो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहला तो करेक्ट पोजीशन हमें पता होना चाहिए, उस पोजीशन को हम लोग स्निफिंग पोजीशन कहते हैं बच्चे का एयरवे पेटेंट रखने के लिए। अगर हम बच्चे को नेक को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड कर दे रहे हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया है तो वो भी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और अगर बच्चे का नेक बहुत ज़्यादा फ्लेक्स है, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो आइडियल पोजीशन होती है कि स्लाइटली एक्सटेंडेड नेक को हम लोग रखें, यानी इस फोटो को या इस इमेज को अपने दिमाग में बैठा के रखें कि ये इमेज या ये करेक्ट पोजीशन है बच्चे के एयरवे को पेटेंट रखने के लिए। स्निफिंग पोजीशन में रखने के लिए कई बार हम लोग एक छोटे से शोल्डर रोल का हेल्प ले सकते हैं रीसेसिटेशन रूम में भी। हमें जो सिक्रीशन क्लियर करना है वो हमेशा पहले माउथ का करना है फिर नोज़ का करना है, क्योंकि अगर हम नोज़ का करते हैं और बच्चा एकदम से सांस लेता है तो जो भी माउथ में सिक्रीशंस है वो एस्पिरेट कर सकता है। तो ऑलवेज जो कि एक निमोनिक हम लोग याद करते हैं वो होता है कि M हमेशा N से पहले आता है, यानी माउथ हमेशा नोज से पहले आएगा सिक्रीशन को क्लियर करने। हम बच्चे को जेंटली रब कर सकते हैं बच्चे के नेक पे, बैक पे, एक्सट्रीमिटीज पे, विगरस स्टिमुलेशन नहीं जरूरी है, वो इंजरी करा सकता है, कभी भी हमें बच्चे को शेक नहीं करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट के लिए को लेके। तो यहाँ पे हम डिफरेंट गाइडलाइंस को कंपेयर करेंगे। तो पहले कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं थी कि हमें डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है, लेकिन अब जिन बच्चों को रीसेसिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उनमें हम एटलीस्ट 30 सेकेंड तक कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले कर सकते हैं, और यही यूरोपियन गाइडलाइंस कहती हैं कि एटलीस्ट 1 मिनट या 1 मिनट तक हम लोगों को कॉर्ड क्लैंप डिले कर देना चाहिए अगर बेबी को रीसेसिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कॉर्ड क्लैंपिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है कि स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन बच्चों में डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग होती है उसमें
IVF जो होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हीमरेज होता है, उसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं। बच्चे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरीके से या हायर साइड पे होता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है। ट्रांसफ्यूजन की जो नीड होती है प्री टर्म्स में या एडमिटेड टर्म बेबीज़ में, उसकी ज़रूरत कम पड़ती है। साथ ही साथ जो नेक होता है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होता है, उसका भी रिस्क बहुत कम होता है ऐसे बेबीज़ में जिनमें डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की गई है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो क्योंकि ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा बच्चे का और वो टूट के बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा। तो कुछ बच्चों को ऐसा देखा गया है कि फोटोथेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आफ्टर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा होता है नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेबी का। नई गाइडलाइन में साफ साफ लिखा गया है कि जो नॉन एस्फिक्सिएटेड बेबी है, जिनको पेरीनेटल एस्फिक्सिया नहीं है, उनका टेम्परेचर हमें 36.5 से 37.5 के बीच में मेंटेन करके रखना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास रेडिएंट वार्मर्स होते हैं, प्लास्टिक रैप्स होते हैं अगर 32 हफ्ते से कम का बच्चा है, रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करके रखें, थर्मल मैट्रेसेस रखें। रूम टेम्परेचर आइडियली हमारा 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। रीसेसिटेशन रूम की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा थर्मल मैट्रेस है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली वार्म ह्यूमिडिफाइड रीसेसिटेशन गैसेस। अगर मान लीजिए किसी अनइंटेंशनल वजह से बच्चा जो है हमारा हाइपोथर्मिक है, तो उसके लिए पहले कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। नई रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये है कि हम दोनों तरीके से बच्चे का रीवार्मिंग कर सकते हैं, यानी रैपिड और स्लो रीवार्मिंग दोनों ही एडवाइज हैं या दोनों ही के फेवर में AHA कहता है। और जो भी आप अपने यूनिट में करते हैं उसको फॉलो करिए। अगर हमारे पास लिमिटेड सेटिंग्स हैं या पूरे रिसोर्सेज नहीं है, जो कि मोस्ट कॉमन सिनेरियो होता है NICUs में, तो उसके लिए हमारे पास साफ साफ AHA ने कहा है कि जो फूड ग्रेड पॉलिथिन बैग भी अगर साफ सुथरा है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे को नेक तक ढकने के लिए और उसको स्वाडल करने के लिए, यानी उसको अच्छे से रैप करने के लिए आफ्टर ड्राइंग। और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एक हम लोगों के पास ऐसा मेथड है जो कि जिसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे का नॉर्मोथर्मिया मेंटेन करने के लिए। बहुत मिसकंसेप्शन है और इस स्लाइड को प्लीज़ ध्यान से पढ़ो और समझिए कि मीकोनियम अगर प्रेजेंट रहता है तो पहले एंडोट्रेकियल सक्शन रिकमेंडेड था। जो बच्चे नॉन विग्रेस होते हैं उनमें एंडोट्रेकियल सक्शन करना होता था, लेकिन अब नई गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि अगर बच्चा नॉन विगरस भी है तो भी रूटीन इंट्यूबेशन सिर्फ एंडोट्रेकियल सक्शन करने के लिए एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ कोई भी बच्चा मीकोनियम का हो तो सिर्फ उसे सक्शन करने के लिए इंट्यूबेट ना करें, बल्कि हमें नॉर्मल जो स्टेप्स हैं इनिशियली जो हमने गोल्डन वन मिनट की बात की है वो सारे फॉलो करने चाहिए और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि मीकोनियम के बच्चे में हमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं देना होता है या अवॉइड करना होता है। अगला जो पॉइंट होता है वो होता है असेसमेंट ऑफ हार्ट रेट, जो कि पहले हम लोगों के पास पुरानी गाइडलाइंस में कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन नई गाइडलाइन साफ साफ ये कहती है कि हम लोगों को 3 लीड ECG मॉनिटरिंग से ही बच्चे का हार्ट रेट मेजर करना चाहिए इवन इन रीसेसिटेशन रूम। डेफिनेटली ये चीज़ होता है कि रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में कई बार हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें स्टेथोस्कोप पे ही रिलाई करना पड़ता है। प्री टर्म में हमने कितना ऑक्सीजन देना होता है तो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई गई है कि अगर बच्चा 35 वीक से कम है तो उसको 21-30% ऑक्सीजन से हम रीसेसिटेशन शुरू करें। बिगिन द रीसेसिटेशन विद लो ऑक्सीजन, जबकि टर्म बेबीज में हम लोग 21% पे ही हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे ऐसा प्रीडक्टल, यहाँ पे प्रीडक्टल ऑक्सीजनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो टाइट्रेट उसकी हमें सैचुरेशन रीडिंग्स लेनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन की नीड को टाइट्रेट करना होता है। अच्छा, प्रीडक्टल की बात हम लोगों ने की है, ये बहुत मैं अपने यूनिट में भी काफ़ी नर्सिंग स्टाफ को ये समझाता हूँ कि एक चीज़ अपने दिमाग में बांध लें और प्रैक्टिस में ले आएँ कि प्रीडक्टल सैचुरेशन मीन्स राइट हैंड का सैचुरेशन। कोई भी नया बच्चा जो पैदा होता है हमें सबसे पहले प्रोब जो लगाना है वो सिर्फ राइट हैंड में लगाना है, इसके अलावा कहीं नहीं, क्योंकि हमें प्रीडक्टल सैचुरेशन से ज़्यादा मतलब है और हमें उसी को देखना होता है। तो प्लीज़ अपने इसको प्रैक्टिस में ले आएँ, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको प्रोब सिर्फ राइट हैंड में लगाएँ क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो रीडिंग्स हैं ये इंपॉर्टेंट है जानना, ये चीज़ समझना होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सैचुरेशन नॉर्मल नहीं होता, उसके लिए 60% सैचुरेशन भी नॉर्मल है। और उसका जो नॉर्मल सैचुरेशन यानी 85-95% सैचुरेशन पहुंचने में 10 मिनट्स तक पहुंचता है, 10 मिनट तक इससे कम रहता है। तो अगर मान लीजिए 4 मिनट पे बच्चे का सैचुरेशन 75 से 80 के बीच में है तो हमें उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है।
यही चार्ट जो है ये हर रीसेसिटेशन रूम या हर वार्मर के ऊपर लगा होना चाहिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि कितने मिनट पे कितना ऑक्सीजन होना ज़रूरी है और कब बच्चे को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। जो प्री टर्म्स होते हैं, जो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहे होते हैं, बस उनको थोड़ा बहुत सांस लेने में या इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग होती है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। तो पहले की गाइडलाइंस ये कहती थी कि हम सीपैप या मैकेनिकल वेंटिलेशन दोनों करें, लेकिन क्लियर कट नई गाइडलाइंस में सीपैप को ही प्रेफर किया गया है रूटीन इंट्यूबेशन के अगेंस्ट। ये स्लाइड ये बताने के लिए कि करेक्ट साइज एनाटॉमिकल मास्क कैसा होना चाहिए। तो ये मास्क जो होता है ये बेबी के नाक, लिप्स और चिन तीनों को कवर करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ छूट रही है तो यानी वो मास्क बहुत छोटा है, और इसके अलावा अगर वो आईज को भी कवर कर ले रहे हैं या शेप अब नॉर्मल है तो वो सारे मास्क गलत साइज़ के हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास करेक्ट साइज़ के मास्क अवेलेबल हों और वो रीसेसिटेशन में आप करेक्टली यूज़ करें। ये डायग्राम में हम लोग बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है वो किस किस तरीके से दिया जा सकता है। तो अम्बू बैग्स या सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग्स होते हैं, फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग्स होते हैं, टी पीस रीसेसिटेटर या नियो पफ्स होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं पीपीवी देने के लिए। जस्ट टू गिव एन आइडिया कि इनिशियल जो प्रेशर्स हम लोग सेट करते हैं वो 20-25 करते हैं पीआईपी, और जो पी करते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जो करते हैं वो 5 से शुरू करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स हम लोग इनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि पीआईपी 40 से ऊपर ना जाए। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम बच्चे को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं तो हमें उसको पर मिनट 40-60 ब्रेथ्स देने होते हैं। तो ये यहाँ पे एक रीसेसिटेशन टीम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि हम लोग एक क्लोज लूप कम्युनिकेशन को फॉलो करें। जो भी बंदा या जो भी आदमी जो चीज़ कर रहा है उसको वो लाउडली बोले, ताकि सभी को रीसेसिटेशन रूम में सुनाई दे और वो सब कोई उसी के अकॉर्डिंग काम करें। तो जब भी हम बच्चे को अम्बू बैग से या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से सांस दे रहे हैं तो जो भी आदमी सांस दे रहा है वो इसको लाउडली बोले, ब्रीद 2-3, ब्रीद 2-3। जब भी हम ब्रीद बोलते हैं तो हम अम्बू बैग को स्क्वीज करेंगे या नियो पफ को से प्रेशर देंगे, और जब हम 2-3 कह रहे हैं तो उस अम्बू बैग को रिलीज करेंगे। ये पैटर्न आपको लाउडली रीसेसिटेशन रूम में बोलना है। तो अब आते हैं कि हम लोगों ने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे दिया, हम लोगों को हार्ट रेट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के 15 सेकंड के बाद चेक करना है। उसमें तीन सिनारियो हो सकते हैं। अगर हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है तो आपको अनाउंस करना है, जिसने भी हार्ट रेट सुना उसको साफ साफ क्लियर शब्दों में ये चीज़ बोलनी है रीसेसिटेशन रूम में, दैट हार्ट रेट इज इंक्रीजिंग, यानी हार्ट रेट बढ़ रहा है, पीपीवी कंटिन्यू करें, और फिर हम दूसरा हार्ट रेट असेसमेंट करते हैं 15 सेकंड के बाद। अगर हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा और चेस्ट मूव कर रहा है तो आपको फिर से ये चीज़ अनाउंस करनी है कि हार्ट रेट इज नॉट इंक्रीजिंग, चेस्ट इज मूविंग। ये इंपॉर्टेंट है, चेस्ट मूव करना मतलब आपका जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है वो इफेक्टिव है, उसके बाद भी हार्ट रेट नहीं मूव कर रहा। इस सिनेरियो में भी हमें पीपीवी कंटिन्यू करना है और 15 सेकंड के बाद हमें वापस से चेक करना है हार्ट रेट को। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि हार्ट रेट तो नहीं बढ़ा बट इस बार चेस्ट भी मूव नहीं कर रहा है, तो आपको ये अनाउंस करना है कि हार्ट रेट इज नॉट इंक्रीजिंग एंड चेस्ट इज नॉट मूविंग, यानी आपका वेंटिलेशन जो पीपीवी है वो इफेक्टिव नहीं है, और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ करेक्टिव स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। जब चेस्ट मूव करना शुरू करे तो आपको ये चीज अगेन अनाउंस करनी है पूरी टीम को कि चेस्ट हैज स्टार्टेड मूविंग, कंटिन्यू पीपीवी, और जब हम लोग इफेक्टिव चेस्ट मूवमेंट होना शुरू हो जाता है या इफेक्टिव पीपीवी शुरू हो जाती है उसके 30 सेकंड्स के बाद, 30 सेकंड्स के बाद हम लोग वापस से हार्ट रेट चेक करते हैं। तो इस स्लाइड की बहुत इंपॉर्टेंस है, इस स्लाइड को ध्यान से देखें, पॉज करके अच्छे से समझें। अब हमने बात की वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स की, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत कॉमनली शुरू से एक निमोनिक को पढ़ा है, वो है MR सोपा। तो ये जो MR सोपा है इसका ऑर्डर भी यही होना चाहिए, ये नहीं कि हम पहले P कर लें बाद में R करें, हमेशा MRSOPA से ही चलना है। तो M मतलब होता है मास्क रीएडजस्ट करके देखें, अगर एक आदमी पकड़ा हुआ है तो हम टू हैंड टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं, एयरवे को रीपोजिशन करें, आपको करेक्ट कर लें कि बच्चा स्निफिंग पोजिशन में है कि नहीं है वो चेक कर लें, बच्चे का हेड न्यूट्रल पोजिशन में लेके आएँ। उसके बाद आता है SS मतलब कि सक्शन दी माउथ एंड नोज, O आता है ओपन दी माउथ, ओपन माउथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं माउथ को ओपन करके और जॉ लिफ्ट करते हैं फॉरवर्ड की तरफ जिससे एयरवे क्लियर होता है। नेक्स्ट स्टेप है, अगर इतने के बाद भी नहीं हुआ तो हम जाते हैं पी पे। पी होता है कि हम प्रेशर्स की बात करते हैं कि जनरली हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं अपने नियोपफ मशीन या टी पीस रीसेसिटेटर पे, और जैसा मैंने बताया था कि ये प्रेशर 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनली अगर इन सब चीज़ों से
बात नहीं बनी तो हमें ऑल्टरनेटिव एयरवे के बारे में सोचना चाहिए और हम लोगों को इंट्यूबेशन या लैरिंजियल मास्क के बारे में सोच के उसे इंट्यूबेट करना चाहिए। दूसरी बार हम लोग हार्ट असेस करने आए 30 सेकेंड्स के बाद, तो वहाँ पे भी तीन सिनारियो हो सकते हैं कि अगर बच्चे का हार्ट रेट मोर देन 100 हो चुका है तो हम लोग चेस्ट जो PPV है वो कंटिन्यू करते हैं जब तक कि बच्चे का स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स नहीं आ जाते। अगर हार्ट रेट 60-100 के बीच में है तो हम लोग वेंटिलेशन को रीअसेस करते हैं, करेक्टिव स्टेप्स को लेते हैं, देखते हैं कि चेस्ट मूव कर रहा है कि नहीं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यू करते हैं PPV को। अभी भी हम लोग चेस्ट कंप्रेशन नहीं करेंगे। अगर हार्ट रेट लेस देन 60 हो जाता है तो हमने चेक किया कि चेस्ट मूव कर रहा है या नहीं, वेंटिलेशन को हमने सही किया, इसके बाद भी अगर 60 रह जा रहा है तो हमें ऑल्टरनेटिव एयरवे के लिए तुरंत जाना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो बच्चे को इस पॉइंट पे जल्दी इंट्यूबेट कर दें। अगर इंट्यूबेट कर रहे हैं इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हम लोग 100% ऑक्सीजन देते हैं और चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देते हैं। हमारी गोल्डन मिनट के बाद जो हम लोगों ने ये बातें की उसी को हम लोग एल्गोरिदम फॉर्म में अगर देखें तो हमने PPV दिया, SpO2 मॉनिटरिंग की और ECG मॉनिटरिंग की। अगर हार्ट रेट 100 से कम है, अगर 100 से ज़्यादा है यानी आंसर नो है तो हमने पोस्ट रीसेस्टेशन केयर किया। अगर बच्चे का हार्ट रेट 100 से कम है तो जो पिछले स्लाइड्स में हमने स्टेप्स बताए उनको हम लोगों ने फॉलो किया। अगर हार्ट रेट उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा और 60 से कम हो जा रहा है, ठीक है, तो हमें चेस्ट कंप्रेशन की तरफ जाना है। और अगर हार्ट रेट वापस 60 से 100 के बीच में है तो हमें करेक्टिव मेजर्स को लेते हुए, चेस्ट मूवमेंट्स को करवाते हुए हमें PPV कंटिन्यू करना है। तो अगर हार्ट रेट लेस देन 60 हो जा रहा है तो बच्चे को इंट्यूबेट कर दें, अगर इंट्यूबेटेड ऑलरेडी नहीं है चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करें, 100% ऑक्सीजन दें, ECG मॉनिटरिंग करें और यहीं पे हमें इमरजेंसी ड्रग्स देने की तैयारी कर देनी है। तो अगर UVC है तो इमरजेंसी UVC इंसर्शन की तैयारी कर देनी है। उसके बाद भी हम लोगों ने चेस्ट कंप्रेशन दिए, उसके बाद भी एक मिनट के बाद हमें हार्ट रेट इम्प्रूव नहीं हो रहा है 60 से ज़्यादा, तो हमें एपिनेफ्रिन या इंजेक्शन एड्रेनालिन 1:10,000 डाइल्यूशन में देना होता है। इसके बावजूद अगर नहीं इम्प्रूव कर रहा तो हमें कुछ और कॉजेज हैं वो सोचने होते हैं, जैसे कि हाइपोवोल्यूमिया यानी ब्लड लॉस हो गया हो बच्चे का या न्यूमोथोरैक्स। ये एक डायग्राम है जिसमें हम लोग बेसिकली एक रफ आइडिया देते हैं कि किस साइज़ की एंडोट्रेकियल ट्यूब्स हमें यूज़ करनी चाहिए। अगेन ये बच्चे टू बच्चे और यूनिट टू यूनिट डिफर करेगा, दिस इज जस्ट फॉर कि एक आपको रफ आइडिया हो और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो बच्चे अगर एक्सपेक्टेड है कि 1 किलोग्राम से कम है या 28 हफ्ते से कम के हैं जेस्टेशन, तो उनको 2.5 साइज की ईटी चाहिए होती है। अगर 1-2 kgs के हैं या 34 वीक्स तक के हैं तो 3 साइज, एंड अगर 2 किलो से ऊपर है तो जनरली 3.5 साइज की जो ईटी होती है वो सफिशियंट होती है। ये एक्चुअली डायग्राम जो है वो करेक्ट पोजीशन ऑफ यूजिंग अ लैरिंगोस्कोप है। इंट्यूबेशन एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। इंट्यूबेशन जो है वो 30 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये नहीं कि हम बार बार इंट्यूबेशन करने में बहुत लंबा समय नहीं लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि इंट्यूबेट नहीं हो पा रहा है या अनसक्सेसफुल है तो उस दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट लेने से पहले हम लोगों को पेशेंट को या बेबी को PPV यानी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। बार बार अटेम्प्ट नहीं करना है, अगर कोई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो रहे हैं तो बीच में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दें, बच्चे को स्टेबलाइज करें और फिर सेकेंड अटेम्प्ट करें। ये स्लाइड बताती है कि हमें लैरिंजियल मास्क जो होते हैं, सुप्राग्लॉटिक एयरवे होते हैं, वो कब कब कंसिडर करना चाहिए। तो अगर न्यूबॉर्न जो बच्चा है, बेबी है, उसमें कोई कंजनाइटल प्रॉब्लम हो इन्वॉल्विंग माउथ, लिप, टंग, पैलेट या नेक, जैसे क्लेफ्ट लिप्स वगैरह होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग लैरिंजियल मास्क एयरवे को प्रेफर कर सकते हैं। अगर स्मॉल मैंडिबल हो जैसे पेरे रॉबिन सीक्वेंस में, या लार्ज टंग हो जैसे ट्राइजोमी 21 या डाउन सिंड्रोम में मिलता है, उस सिनेरियो में भी हमें LMA प्रेफर करना चाहिए। या अगर PPV अगर हमारा इफेक्टिव नहीं है और हम लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ इंट्यूबेशन में भी अनसक्सेसफुल रहे हैं तो हमें LMA यूज़ करना चाहिए। ये डायग्राम्स हैं जो बता रहे हैं कि क्या क्या अनोमलीज हैं जिसमें हम लोग को LMAs प्रेफर करने चाहिए। अब जो अगला आता है पार्ट सी होता है, सी मतलब चेस्ट कंप्रेशन की बात हम लोग करेंगे। जब भी हम चेस्ट कंप्रेशन शुरू करें तो 100% ऑक्सीजन में करना चाहिए, PPV के साथ यानी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन, और ECG मॉनिटरिंग अगर पॉसिबल है तो वो शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो हमने इंडिकेशन जान लें कि चेस्ट कंप्रेशन कब करना है। तो अगर हार्ट रेट लेस देन 60 होती है आफ्टर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स ऑफ इफेक्टिव PPV, यानी जब चेस्ट मूव करना शुरू कर जाए उसके 30 सेकेंड्स के बाद भी अगर हार्ट रेट लेस देन 60 है तो हम लोगों को चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देना चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए चेस्ट मूवमेंट सही से नहीं हो रहे हैं और हमने 30 सेकेंड्स तक पीपीवी दे दिया है, तो हम लोग को चेस्ट कंप्रेशन शुरू नहीं करना है। पहले हमारा ब्रीदिंग एयरवे को ठीक करना है, यानी हमें इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है। उसके बाद 30 सेकेंड्स के बाद भी अगर हार्ट रेट इंप्रूव नहीं कर रहा, तब हमें उस चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देने हैं। और अगर ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है तो पहले उसको ठीक करना है। ये डायग्राम में बताने की कोशिश करूंगा कि चेस्ट कंप्रेशन देते कहाँ पे हैं। तो अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बना लें दोनों निपल्स के बीच में, तो ये स्टर्नम का जो लोअर वन थर्ड पार्ट होता है, ये एरिया जो है जो ग्रे से कलर्ड है, ये एक्चुअली एरिया होता है जहाँ पे हमें चेस्ट कंप्रेशन देना होता है। इसके ऊपर देना इफेक्टिव नहीं है, इसके नीचे देने से ज़िफ़ॉइड में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो ग्रे कलर का एरिया है, आपका थंब या फिंगर्स जो होने चाहिए चेस्ट कंप्रेशन के दौरान, वो यहीं पे होने चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन देते वक्त ये ध्यान दें कि चेस्ट जो है वो एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द एपी डायमीटर, यानी जो बच्चे का जो चेस्ट का डायमीटर है एपी डायमीटर, इसका वन थर्ड हिस्सा कंप्रेस हो। इससे ज़्यादा होगा तो इंजरी होगी, इससे कम होगा तो वो इनइफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन कहलाएगा। चेस्ट कंप्रेशन का रेट क्या होता है, तो ये 90 कंप्रेशंस पर मिनट हम लोग को देना होता है, और ये भी वेंटिलेशन के साथ कोऑर्डिनेटेड होगा, यानी हर 2 सेकेंड पे हमें 3 चेस्ट कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन देना है। तो जिस तरीके से जब हम लोग सिर्फ वेंटिलेशन दे रहे थे तो हमने 40-60 वेंटिलेशन देना था। चेस्ट कंप्रेशन के लिए भी हम लोग एक निमोनिक यूज़ करते हैं या एक राइम यूज़ करते हैं, उसमें होता है 1 2 3 ब्रीथ, यानी हम लोग को 3 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं और 1 वेंटिलेशन देना है, यानी 1 पॉजिटिव प्रेशर ब्रेथ देनी है। तो इसको भी जो भी कोऑर्डिनेट कर रहा है एयरवे को और चेस्ट कंप्रेशन को, उसको लाउडली बोलना है। जो भी पर्सन चेस्ट कंप्रेस कर रहा है उसको काउंट करना है 1 एंड 2 एंड 3 एंड, और जो ब्रेथ दे रहा है उसको बोलना है ब्रीद एंड। तो यानी ये एक रीसेसिटेशन रूम में आप लोग लाउडली बोलेंगे 1 एंड 2 एंड 3 एंड ब्रीद इन, 1 एंड 2 एंड 3 एंड ब्रीद एंड। हमें चेक कब करना है दोबारा हार्ट रेट, तो 60 सेकेंड्स के बाद, यानी हमें 1 मिनट तक का समय लगता है हार्ट रेट को नॉर्मल आने के लिए चेस्ट कंप्रेशन के बाद। तो हमें तुरंत नहीं चेक करना है, हमें 60 सेकेंड्स तक चेस्ट कंप्रेशन करने हैं और उसके बाद ही हमें हार्ट रेट चेक करना है। कोशिश करके बीच में अननेसेसरी इंटरप्शंस को अवॉइड करें। कब हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टॉप कर देना है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी हार्ट रेट 60 ब्रेथ बीट्स पर मिनट से ऊपर हो जाती है, तो हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टॉप कर देना चाहिए और बाकी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो जो नई गाइडलाइंस हैं उसने साफ साफ ये कहा है कि जब भी किसी पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन की ज़रूरत है, तो हमें ऑक्सीजन टाइट्रेट नहीं करना है, हमें सीधे 100% ऑक्सीजन देना है अगर हम चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं। तो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है, कुछ कंट्रीज़ में हम लोग सोडा बाइकार्ब इन्फ्यूजन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं कुछ कंट्रीज़ में। तो इसके लिए गाइडलाइंस क्या कहती हैं, तो AHA ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है 2010 या 2015 में, बट जो यूरोपियन रीसेसिटेशन काउंसिल है वो क्लियरली मेंशन करता है कि अगर प्रोलॉन्ग अरेस्ट है और अनरेस्पॉन्सिव है टू ऑल दी मेजर्स, हमने चेस्ट कंप्रेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी अगर अनरेस्पॉन्सिव है, तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की डोज 1-2 मिलीमोल/kg को स्लो इन्फ्यूजन के थ्रू के दे सकते हैं रीसेसिटेशन के टाइम पे। जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ रीसेसिटेशन में आते हैं, जो कि डी यानी ड्रग्स यानी मेडिकेशंस के बारे में, तो जो मेन इंपॉर्टेंट मेडिकेशन हमें रीसेसिटेशन से याद रखनी है वो होती है IV एपिनेफ्रिन या IV एड्रेनालिन। हार्ट रेट अगर लेस देन 60 है, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स ऑफ इफेक्टिव चेस्ट इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और 60 सेकेंड्स ऑफ चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी अगर हार्ट रेट लेस देन 60 है, तो हमें एपिनेफ्रिन देना होता है। इस चार्ट में हम लोगों ने बताया है कि क्या क्या डोजेस होती हैं, तो एपिनेफ्रिन 1:10,000 डाइल्यूशन में होना चाहिए, इंट्रावीनस इंट्राओशियस या एंडोट्रीकल रूट से भी दिया जाता है, हमेशा इसको फास्ट बोलस की तरीके से दिया जाता है, स्लो एपिनेफ्रिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और जब भी हम एपिनेफ्रिन दे दें, तो उसको हमें जो भी लाइन होती है इंट्रावीनस या इंट्राओशियस, उसको 0.5-1 ml नॉर्मल सेलाइन से फ्लश करना होता है ताकि वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डोज क्या होती है, तो इंट्रावीनस रूट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो 0.1-0.3 ml/kg डोज दी जाती है, और यही अगर हम लोग एंडोट्रीकियल रूट से दे रहे हैं तो 0.5-1 ml/kg के हिसाब से एपिनेफ्रिन दिया जाता है। वॉल्यूम एक्सपैंडर्स को, तो मोस्ट कॉमनली जो वॉल्यूम एक्सपैंडर यूज़ होता है वो नॉर्मल सेलाइन होता है, या हम लोग ओ नेगेटिव ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज जो होती है वो 10 ml/kg के हिसाब से देना चाहिए, ये भी एक रैपिड इन्फ्यूजन होता है। अगर हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे को अनीमिया है या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो हमें ओ नेगेटिव पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को यूज़ करना चाहिए।
इसका भी जो रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्राऑशियस हो सकता है, ओवर 5 to 10 मिनट्स हम लोगों को देना है। हाँ, अगर बच्चा बहुत प्रीटर्म है, बहुत अंडरवेट है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है, तो हम लोग इसका इन्फ्यूजन रेट जो है वो थोड़ा स्लो कर सकते हैं। गाइडलाइन साफ साफ कहती हैं, अगर हमने कंफर्म कर लिया है कि हार्ट रेट 10 मिनट के बाद भी, इफेक्टिव रीसेसिटेशन के बाद भी अगर नहीं आ रहा, तो इट इज़ वेरी रीजनेबल टू स्टॉप रीसेसिटेशन एट दैट पॉइंट। जल्दी जल्दी से अगले कुछ स्लाइड्स में समराइज कर लेते हैं। तो समरी का जो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रीसेसिटेशन का होता है कि टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम लीडर पता होना चाहिए और हर इंडिविजुअल उस टीम का, उसको अपना रोल पता होना चाहिए कि कौन एयरवे देख रहा है, कौन ब्रीदिंग देखेगा, कौन चेस्ट कंप्रेशन या ऑस्कल्टेट करेगा, कौन दवा देने वाला है और कौन उस रीसेसिटेशन को लिख रहा है। प्री बर्थ क्वेश्चन जो हमने पूछे थे वो पूछना बहुत ज़रूरी है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, चेक होने चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने जो फ्लो चार्ट किया है उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे फिर से बता दूँ, जो पहला सैचुरेशन लेंगे बच्चे का वो आप राइट हैंड में लेंगे, क्योंकि हमें प्री डॉक्टर सैचुरेशन को चाहिए होता है। और जो सैचुरेशन का जो चार्ट है वो हर रीसेसिटेयर पे लगा होना चाहिए। गोल्डन मिनट को हमें याद रखना है कि 30:30 का हमें रेशियो रखना है। पहले 30 सेकेंड्स में हम लोग असेस करेंगे, देखेंगे कि बच्चे को कितने रीसेसिटेशन की ज़रूरत है, और अगले 30 सेकेंड्स में हम लोग इनिशियल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। गोल्डन मिनट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन एनी वन लाइफ, और रीसेसिटेशन की सक्सेस जो होती है वो इसी गोल्डन मिनट पर डिपेंड करती है। हमें दो राइम्स हमने बताई थी वो याद रहनी है। अगर हम सिर्फ पीपीवी दे रहे हैं तो ब्रीथ 2-3, ब्रीथ 2-3, ये लाउडली बोलना है हमें रीसेसिटेशन रूम में। एमआर सोपा जो निमोनिक हमने बताया उसको ध्यान में रखना है, उसको याद रखना है और उसी स्टेप में फॉलो करना है। राइम 2 जो थी, अगर हम लोग चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं तो हमें बोलना है 1 and 2 and 3 and ब्रीद इन, 1 and 2 and 3 and ब्रीद इन, यानी हमें 90 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट और 30 ब्रेथ्स इसके साथ साथ देने हैं। इसका कोऑर्डिनेशन होना और लाउडली बोलना रीसेसिटेशन रूम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने एड्रेनालिन की बात की, तो एड्रेनालिन का देने का हमने इंडिकेशन बताया है कि अगर 30 एडिक्वेट वेंटिलेशन के बाद और 1 मिनट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी हार्ट रेट लेस देन 60 रह रहा है तो हमें एड्रेनालिन की डोज देनी होती है। इसके बाद भी अगर आप लोग को और डिटेल में जानना है तो हमारे आप इंग्लिश वाले प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। अगर हिंदी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, इंग्लिश हिंदी दोनों समझने के बाद भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस पे डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या किसी चीज़ को आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे को लिख के दें और हम लोग फिर उसको आंसर करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई करेंगे। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग केडॉक्स एंड विल कम अप विद सम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन द फ्यूचर। थैंक यू।